हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, गाइस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आपको यहाँ पे टेंथ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है ये मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे करियर रिलेटेड वीडियोज भी मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता हूँ, तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। इससे पहले भी गाइस मैंने आपको मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे और मराठी हिंदी और इंग्लिश के भी किए थे और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में थे बहुत सारे बच्चों को, उसके वजह से पेपर इजी गया था। तो इसके लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ टिप्स और ट्रिक्स हमें शेयर कर दीजिए, तो उससे रिलेटेड आज का एक वीडियो है। इसमें गाइस हम लोग थोड़े से साइंस के सम के बारे में समझेंगे। देखिए गाइस, आपको एक ही सम मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द आपके पेपर में, नॉर्मली साइंस का एक सम रहता है जो आपको 3 मार्क्स के लिए है। तो अगर अपने को सम्स करने के हैं, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है और अगर कुछ सम्स देखने के रहेंगे, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 4 या 5 कैटेगरी के सम है। कौन से कैटेगरी के सम है ये आज के वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ही जो सम्स है गाइस ये आपको यहाँ पे सम्स करने के है, जिसमें आपको वैल्यू ऑफ द जी ऑन द प्लैनेट वगैरह इस तरह से सम्स आपको यहाँ पे करने के। देख सकते हो गाइस आपको यहाँ पे ये सम दिख है। ओके, तो ये वाले सम्स गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं और इस कैटेगरी के जो सम्स है ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएंगे, आप लोग के ये एक्सरसाइज में आपको दिख जाएंगे। तो ये सम गाइस जरूर सॉल्व कर दीजिए, इसमें से ही कोई तो सम आपको दिख जाएगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा जिसके ऊपर अपने को सम करने के। देन उसके बाद गाइस आपके पास फोर्थ वाला चैप्टर है, उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे सम्स पूछे जाते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह, ये सब चीज़ें निकालने के लिए यहाँ पे सम रहेंगे। आप लोग देख सकते हो ये सम इस तरह से है। ओके, तो ये सम भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी कहीं सबको 3 मार्क्स के लिए रेडी रखने का है। यस, कभी कभी आपको 2 मार्क्स के लिए भी सम आ जाते हैं, लेकिन 2 रहे या 3 रहे, अपने को पूरे मार्क्स अगर चाहिए तो कुछ सम्स भी आपको करने पड़ेंगे। तो ये कुछ कैटेगरी के सम्स है जो अपने को करने के है। देन उसके बाद अपना नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे तो जस्ट अ सेकेंड, यस नेक्स्ट वाले अगर हम लोग सम यहाँ पर देखेंगे तो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देख सकते हो आप लोग, तो इसमें आप लोग देख सकते हो व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन। तो ये यहाँ पे गाइस आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको इस कैटेगरी के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको लेंस का पूछा जाएगा कि उसका कितना मेजरमेंट का लेंस रहेगा एंड व्हाट इज़ द डिफेक्टिव विजन, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो ये गाइस क्वेश्चन रहेगा आपका नेक्स्ट, जिसमें आपको सम्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आखिरी में अगर आप लोग देखोगे गाइस तो यहाँ पे इस तरह से एस्केप वेलोसिटी, गाइस ये जो क्वेश्चंस है एस्केप वेलोसिटी वाले, ये क्वेश्चंस गाइस अच्छी तरह से करके रखो क्योंकि इसके ऊपर वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी या यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाउ मच टाइम सैटेलाइज इन ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ दिस अबाउट द सराउंडिंग ओके सरफेस वुड टेक। ओके, तो ये इस तरह से जो कैटेगरी के सम है गाइज, यहाँ पे टाइम वगैरह रहेगा या एस्केप वेलोसिटी वगैरह रहेगा, इससे रिलेटेड जो सम्स है गाइज ये अपने को पूछे जाते हैं और ये वाले कैटेगरी के जो सम्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है इसमें, तो सेकंड चैप्टर के। और ये एक जो लास्ट वाला एक चैप्टर है इसमें आपको सम्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम में आ जाते हैं, तो मैंने बता दिया आपको कि कौन से सम करने के हैं। तो आई होप कि आप लोग ये सम कर लोगे क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 2 या 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन रहता है, मोस्ट ऑफली 3 मार्क्स का रहता है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। और देखिए गाइस अगर हम लोग थ्योरी क्वेश्चन करेंगे तो चलेगा क्या, सम नहीं करेंगे तो चलेगा क्या, तो यस कर सकते हो, आपको ऑप्शन में रहते हैं सम्स, तो आप लोग थ्योरी क्वेश्चन से भी जा सकते हो। बट जैसे कि है कि सम अगर आप लोग करोगे और सम सही जाएगा तो आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपैरेटिवली थ्योरी क्वेश्चंस। ओके, थ्योरी क्वेश्चन में लिखोगे कुछ भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक या जो भी चांसेस है वो अगर बन गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट सम में ये रहता है कि अपने को 100% मार्क्स दिए जाते हैं अगर आपका सम सही है। तो इसके लिए मेरा तो एक सजेशन रहेगा कि सम कर लीजिए अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा है और आपको सम्स आ रहे हैं, और ज़्यादा नहीं है 4 चैप्टर में सम्स है, मैंने बता दिया है कौन से सम्स है और उसके ऊपर मैंने बता दिया है एस्केप वगैरह वेलोसिटी का, ये वाला फर्स्ट वाला चैप्टर का रेजिस्टेंस के सम्स ज़रूर करके रख दीजिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ डाउट रहेंगे और भी किसी से रिलेटेड टॉपिक वीडियो चाहिए रहेगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए। एंड यस गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि अभी भी यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ऑलमोस्ट 80-90% स्टूडेंट खाली वीडियो देखते हैं एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस ऐसा मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।